अनुपमा जो अपने नाम हेडलाइन में आने से बहुत खुशियां मना रही होती है, तो दोस्तों उसके ही नाम का फर्जीवाड़ा कर रहा होता है। वो इस पाल की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है बाकी स्टाफ के नजरों में और ऐसा दिखाता है कि वो यहाँ मैनेजर का काम करता है, और सच में वो रिस्पेक्ट तो भूल ही जाता है और बर्बाद करने की जो कोशिश करता है। तो इसकी प्लानिंग इस पाल को पता चल जाती है क्योंकि जब अनुपमा रेस्टोरेंट में होती है तो वो अध्याय के बर्थडे को लेकर बातें करने लगते हैं। हालांकि सभी स्टाफ को सपोर्ट करते हैं कि एक ना एक दिन जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ से डायरेक्ट किंजल के पास में जाती है और वहाँ जाकर के उसको मोटिवेट करती है क्योंकि उसको प्रमोशन मिला होता है। हालांकि इनकी बातों को सुन करके ना कहीं बहुत गुस्सा भी होता है दोस्तों, और ऐसा दिखाना चाहता है कि बस कुछ दिन और उड़ लीजिए माँ, उसके बाद तो आपकी बने बनाए खेल में बर्बाद कर दूंगा पूरी तरीके से। हालांकि अनुपमा यहाँ से डायरेक्ट अनुज के घर चली जाती है और अब अध्य के बर्थडे के लिए वो चाहती है केक बनाना, बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि श्रुति ऐसा नहीं चाहती। श्रुति चाहती है कि अगर आप बनाएगा तो कहीं उसका बर्थडे खराब ना हो जाए और वो एक बॉलीवुड थीम पार्टी करने वाली है। हालांकि अब यहाँ पर अनु सपोर्ट करता, बोलता कि नहीं अनुपमा तुम ही बनाओगे, तुम पहले नहीं थे लेकिन अब तुम अपनी बेटी के लिए बनाओगे, तुम वापस आ चुकी हो। श्रुति को ये चीज बहुत अजीब लगती है कि एकाएक से सारा बहका मतलब अनुपमा की तरफ में जा रहा है अनुज का, ये कैसा हो रहा है और आखिर ये क्यों हो रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो फिर शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वहीं अगले ही दिन क्या होता है कि हेडलाइन में अनुपमा का नाम आता है एक फोटो जैसे अनुज के हाथों से वो देखती है। सच में उसे बहुत अच्छा लगता है और अनुज तो उसको फ्रेम करवा के भी रख लेता है। लेकिन वही यही सारी अखबार वेल रेस्टोरेंट में भी गया होता है, वहां तो जो लोग देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं लेकिन तोसु जब देखता है तो वो एक एक अखबार को फाड़ देता है। यहाँ पे जब इसके दोस्त आते हैं ना तो खुद को बहुत अच्छा बना करके इस रेस्टोरेंट का ऑनर बना करके उन सबसे मिलता है और अब अपने ही स्टाफ को मतलब अपने साथ काम करने वाले कलीग्स को बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है राहुल और इन सभी के सामने भी। कि जब यशपाल इसकी बातों को सुनता है कि यशपाल को यहाँ जॉब दिया गया है मैनेजर बना करके और इस रेस्टोरेंट का करंट ऑनर ये और इसकी माँ है, तो उसे बहुत अजीब लगता है और उसके मन में ऐसा चलने लगता है कि एक ना एक दिन मेरे ही रेस्टोरेंट से मुझे ये लोग निकाल देंगे। लोग छल कपट और ये सभी के कारण अब कहने की इनसिक्योरिटी उसे महसूस होने लगती है। तो बस इसी थ्रेड्स को कम करने के लिए अनुपमा फैसला करते हैं कि तोसु यहाँ पे काम नहीं करेगा। हालांकि वो यहाँ निकाल देती इससे, लेकिन ये तो गुलाटी के साथ में हाथ मिला करके रेस्टोरेंट के खिलाफ में जो षड्यंत्र रचता है, गलत रिव्यूज़ काफ़ी लोगों को मिला करके झूठी झूठी कहानी बनाता है रेस्टोरेंट के बारे में और इसके ही कारण रेस्टोरेंट के ऊपर में बहुत बड़ी मुसीबत आती है, उसे बंद करना पड़ता है। जो ये अवार्ड जीती होती है उस सबको वो वापस ले लेते हैं। देखना मजेदार होगा कि इसके बिना भी क्या वो कुछ है। मजा तो आने वाला है गुरु लोग, बवाल होने वाला है पक्का ही।